हाय ब्यूटी एंड हेल्दी चैनल पे आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, सुंदर दिखने के लिए हम क्या नहीं करते। आमतौर पर पाई जाने वाली सौंदर्य से संबंधित बीमारियां ज्यादातर ऐसी होती हैं जिनके लिए घरेलू टिप्स काफी कारगर साबित होती हैं। आवश्यकता है तो बस इन्हें बारीकी से समझने और आवश्यक सावधानियों के साथ इस्तेमाल करने की। सौंदर्य के घरेलू टिप्स का एक यह फायदा भी है कि इसके लिए हम अपने घर में उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ग्लोइंग स्किन के लिए आवश्यक पोषण और देखभाल की। जैसा कि हम सबको पता है कि त्वचा हमारी आंतरिक सेहत का आईना है। स्किन में ग्लो यानी चमक दो तरह की होती है, एक आंतरिक चमक और दूसरी बाहरी चमक। बाहरी चमक कॉस्मेटिक से आती है जो कि टिकाऊ नहीं होती है, और आंतरिक चमक जो हमेशा ही दमकती रहती है और दूर से ही दिखाई पड़ती है, वो हमारी अच्छी सेहत से आती है। शरीर के अंदर हार्मोनल असंतुलन, पोषक तत्वों की कमी, विषैले तत्वों की मौजूदगी के अलावे तनाव और प्रदूषण भी स्किन की चमक को कम करते हैं। बेजान त्वचा या कम उम्र में ही स्किन पर एजिंग साइन दिखाई देना या फिर ज्यादा उम्र की दिखना ऐसी समस्याएं हैं जिसका इलाज हम कॉस्मेटिक्स का उपयोग करके करना चाहते हैं। यहाँ यह जानना जरूरी होगा कि स्किन को हम सिर्फ कॉस्मेटिक्स से ही ग्लोइंग नहीं बना सकते हैं, इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और स्किन को ग्लोइंग बनाने का सबसे आसान तरीका प्रकृति और योगासन में ही है। ग्लोइंग स्किन के लिए आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत होती है। हम जो खाते हैं उससे शरीर के साथ साथ त्वचा को भी पोषण मिलता है। जंक फूड और तैलीय खाना हमारी त्वचा की सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए विटामिन ए B1 और B2 से भरपूर डाइट यानी हरी सब्जियाँ, फल, सलाद जरूर लें। यह रक्त को साफ करने और त्वचा को हाइड्रेट करने में भी मदद करता है। कच्चा भोजन यानी फल और सलाद का सेवन त्वचा को हाइपरपिगमेंटेशन और मुहासों से बचाता है। सिलिकॉन त्वचा को मुलायम व लचीला बनाता है और झुर्रियों को कम करता है। शरीर में सिलिकॉन की कमी को पूरा करने के लिए मूली, शिमला मिर्च और खीरा खाएं। इसी तरह जिंक मुहासों को कम करता है और स्किन को ऑयली होने से बचाता है। लौकी, नारियल, सीताफल और सूरजमुखी के बीज इसके अच्छे स्रोत हैं। अब बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड की। यह त्वचा की कोशिका को मजबूती प्रदान करता है और स्किन के सेल में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के तेल और समुद्री शैवाल में पाया जाता है। ग्लोइंग स्किन की देखभाल करने के लिए ज्यादा स्क्रब करना भी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। महिलाओं की त्वचा काफी मुलायम होती है, इसलिए इसे रगड़ने की भूल गलती से भी ना करें। रगड़ने से त्वचा पर लाल लाल चकत्ते आ सकते हैं। त्वचा को हमेशा हल्के हाथों से पोंछें। इसी तरह नियमित देखभाल करें और समय समय पर अपने चेहरे को फेस वॉश से धोएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो टोनर का उपयोग करें। मेकअप हमेशा क्लींजर से साफ करें और त्वचा की मॉइस्चराइजिंग पर ध्यान दें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। हमारा साथ बना रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।